कटिहार जिले में बाढ़ ने अपनी दस्तक दे दी है। कटिहार जिले के कई प्रखंडों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। लोगों का घर बार, छत छप्पर सब डूब गए हैं। ये तस्वीर कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड की है, जहां के धुरियाही पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोग घर बार छोड़कर ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ के बिगड़ते हालात को देखते हुए मनिहारी के एसडीएम आईएस आशुतोष द्विवेदी ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का एनडीआरएफ की टीम के साथ दौरा किया और उचित राहत दिलाने का भरोसा भी दिलाया। बाढ़ का पानी घुसने की सूचना मिली थी तो अंचलाधिकारी और एनडीआरएफ की टीम के साथ आज हमने वहां का निरीक्षण किया है। कुछ स्थानों पर पानी पहुंचा है, लोगों के द्वारा कई स्थानों पर ना परिचालन में समस्या हो रही, उनको आवागमन में, इसके लिए नाव और मांग की गई थी। तो तत्काल ही अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जहाँ जहाँ भी जिन जिन वार्डों में आवश्यकता है वहाँ पर सरकारी नाव और अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट नाव को परवाना निर्गत करके नाव चलवाना सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ की और तस्वीर आपको दिखाएं, उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ईट ईट उखाड़ते ये लोग मनिहारी प्रखंड के दिलारपुर पंचायत के हैं, जहां एक तरफ बाढ़ का पानी मुसीबत बनकर आई है, वहीं दूसरी तरफ इस पानी के कटाव से आतंकित लोग घर बार तोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। 100 साल पहले बनी इस मस्जिद को लोग तोड़कर इसके ईट ईट उखाड़ कर ले जाने को मजबूर हैं। प्राकृतिक के इस मार के आगे सभी लोग बेबस हैं। इन बेबस लोगों की बेबसी सुनिए। अभी तो हम लोग फिलहाल हटकोला गए थे वही बाढ़ पीड़ित के देखने के लिए, तो हम लोग का तो घर वो सब कट ही गया है, तो यही नाव के सहारे आते जाते हैं। घर करीब 250-300 घर था। नहीं नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला अभी तक। क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से कुछ सहायता चाहते हैं। हम लोग को कहीं बैठने का जगह मिले या घर उर बनाने का कुछ सहायता मिले, यही हम लोग सरकार से चाहते हैं। यहाँ सर 4-5 साल से समस्या हो रहा है। पहले बहुत दूर था गंगा जी, 4-5 साल से एकदम बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और हम लोग को अभी इस बार सोचे कि अगले बार बचेगा, लेकिन इस बार नहीं बचा। इस बार समझो कि सबको भागना पड़ा यहाँ से। हाँ, तो हम लोग पहले ही मैंने थोड़ा ये किया है कि नहीं इस बार रह जाएंगे, थोड़ी दिक्कत होगा, तो देखते हैं कि नज़दीक धीरे धीरे आ ही रहा, कट रहा, तब हम लोग एक गांव से हटकोला से यहाँ हम लोग मैंने भाग रहे हैं यहाँ से। कटिहार के मनसाही में भी बाढ़ ने अपना रुद्र रूप दिखाया है। यहाँ के भी कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, नतीजन लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बाढ़ की विभीषिका ने पूरे कटिहार के साथ साथ मनसाही में भी अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। ये तस्वीर कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड की है। यहाँ भी बाढ़ ने रुद्र रूप धारण कर लिया है। कई पंचायत जलमग्न हो गए हैं, सब कुछ डूब गया है। बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर घरों से बाहर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ का पानी कटिहार जिले में ना सिर्फ मुसीबत लेकर आया है, बल्कि ये पानी जानलेवा भी साबित हो रही है। अब तक बाढ़ के पानी से डूबने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। ये तस्वीर कटिहार जिले के बरारी प्रखंड की है, जहां गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि बाढ़ ने कैसी मुसीबत कटिहार वालों के सामने पैदा कर दी है। मुसीबत तो मुसीबत है, पर इस कातिल पानी ने
एक अकेले बरारी में ही अब तक दो लोगों की जाने ले चुका है। बताया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में पांव फिसलने से दो लोगों की डूबकर मौत हो गई। और आ गई है और कोई सरकारी सहायता आम जनता को प्राप्त नहीं है। लोग अपना 10 रुपया दे के नाव से टपता है, सूखा स्थान जाता है, फिर आता जाता है, दिन भर यही काम हो रहा है। सरकार से कोई सुविधा नहीं है। चूंकि उसके घर में शौचालय की सुविधा नहीं है, इसलिए जिस आदमी के घर में शौचालय की सुविधा नहीं है वो पानी में ही जाता है शौचालय करने के लिए। शौचालय करके वो निकल रहा था तो उसका पैर फिसल गया, उसके नीचे गड्ढा था, करंट चल रही थी जिससे वो बह गया। तैरने के लिए कोशिश किया लेकिन वो तैर के निकल नहीं पाया और अल्टीमेटली डूब जाने के बाद एक छोटा बच्चा और साथ में था, उसने चिल्लाया तो गांव का आदमी सब दौड़ के गया, तब तक वो डूब करके पानी के नीचे बैठ चुका था। हर साल आने वाली बाढ़ ने कटिहार जिले के लोगों की कमर तोड़ दी है। इतिहास गवाह है, जब जब बाढ़ का पानी कटिहार आया जान माल सबका एक बड़ा नुकसान करने के साथ साथ बड़ी तबाही मचाकर वापस गया। मनिहारी से ताजिम, मनसाही से मधु, अहमदाबाद से शशि के साथ धीरज कुमार चौधरी, टाइम्स न्यूज, बरारी। पकड़ी ना वाले लड़की को।